हेलो गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रियलमी टेन प्रो प्लस के लिए बी जी एम जीरो रिकॉयर फॉर क्लोज कॉम्वाट एंड स्कोप की रिकॉयर दोनों के लिए ओके जायरो प्लस नॉन जायरो बी जी एम टू पॉइंट फाइव का अपडेट आया है उसके बाद से जब से अन हुआ है ना काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे भाई की सेंसिविटी बता दो क्योंकि रियलमी के रिगार्डिंग आपने एक भी सेंसिविटी नहीं बताई है टू के रेट के बाद से तो गाइज सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत मैं शुक्र गुजारूँ यार आप लोग इतना सपोर्ट किया गाइज हम लोग काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहे हैं और इंस्टाग्राम पर मुझे काफ़ी लोग डीएम करते रहते हैं मैं सबकी हेल्प करता हूँ तो जाओ मुझे आप भी फटाफट इंटाग्राम में फॉलो करो और वीडियो को लाइक जरूर करना यार सब्सक्राइब करना सपोर्ट के लिए भाई के साथ जुड़ जाओ यार ओके यहाँ पर देखो टू पॉइंट फाइव के रेट के बाद से यहाँ पर एक दो सेटिंग आपको न्यू न्यू देखने को मिलती है ओके okay? जायरो स्कोप यहाँ पर मैं रखा हूँ गाइज़ ऑलवेज ऑन पे ये सेंसिविटी जो है ज़ायरो प्लस नन से में वर्क करेगी लेकिन ये जो ग्राफिक्स यहाँ पर है इसके अंदर में आपको मिलती है स्मूथ एक्सट्रीम सिक्सटी एफ और बैलेंस पे अल्ट्रा यानी फोर्टी एफ आपको देखने को मिलता है ऑडियो वाला भी सेक्शन में जाओगे यहाँ पर मिलेगा आपको अल्ट्रा वाला ऑप्शन देखने को ओके okay? अब यहाँ पर चलो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ अटैचमेंट्स क्योंकि अटैचमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिकॉल कंट्रोल करने के लिए अब देखो गाइज़ सबसे पहले मैं यहाँ पर शुरू करूँगा क्लोज कॉम से क्योंकि क्लोज कॉम की सेंसिबिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जीरो रिकॉल तो आपका बहुत ही कम मैटर करता है आपका जो पूरा का पूरा गेम प्ले है ना वो आपका क्लोज कॉम के ऊपर ही डिपेंड करता है लोग इसको इग्नोर करते हैं इसके लिए कभी भी सीख नहीं पाते हैं अब सेंसिविटी फास्ट जिगल वगैरह हिप फायर टेक्निक वगैरह आप जब स्क्वाइड को वाइप कर ही नहीं पाओगे तो आप गेम कैसे विन कर पाओगे सिर्फ दूर वाले बंदे को दो सौ चार सौ मीटर वाले बंदे को रिकॉर्ड स्प्रे करके डाउन करना वो यार कोई एक जो है ना बिगिनर भी कर लेता है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका क्लोज कमवार की सैनिबिटी क्लोज कमवार्ट में जो आपका एम का मूवमेंट है जो आपका जॉयस्टिक का मूवमेंट है वो कैसा है आप कितना से कितना ज़्यादा हेड शॉट कनेक्ट कर पाते हो तो इसके लिए यहाँ पर क्लोज कॉमवार में रेडॉट वगैरह की सैनिबिटी में लानी पड़ेगी तो अब यहाँ पर देखो फास्ट जिगल करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है सिंपल तो यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कुछ नहीं और रेड डॉट भी यहाँ पर देखो कितना अच्छा यहाँ पर क्लोज कमार्ट में कोई रिकॉर्ड नहीं है लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है कि जो हम लोग लॉन्ग स्प्रे करते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है आपके स्कोप ऊपर की तरफ भागने लगता है तो उसको हटाने के लिए उसको कम करने के लिए आज मैंने यहाँ पर ये आपको सैनिमिटी बनाकर दिखा रहा हूँ पहले मैं यहाँ पर देखो डेढ़ सौ मीटर के राउंड स्प्रे करूँगा फिर आपको यहाँ पर मैं चार मीटर प्लस पर भी स्प्रे करके कर कर दिखाऊंगा और आपको दिखा दूँगा कि ये सैनिमिटी आपके डिवाइस के लिए कितना अच्छा है क्योंकि यहाँ पर मैं कोई भी कन्फिगर फाइल यूज़ नहीं करता हूँ किसी भी वीडियोज़ में जो भी दिखाऊंगा वो 100 परसेंट रियल एंड जेनविन होते हैं तो इसके लिए थोड़ा बहुत माइनर रिकॉल देखने को मिलेगा काफ़ी लोगों को मैंने देखा 100 परसेंट जीरो रिकॉल दिखाते हैं कन्फिगर पा यूज़ कर लेते हैं लेकिन जब आप उसकी सैनिबिटी कॉपी करते हो कोड जाकर कर पेश करते हो तो आपका जो रिकॉल है काफ़ी ज़्यादा होता है अब यहाँ पर देखो थेनेबिटी डिवाइस के साथ साथ हैंड के ऊपर भी डिपेंड करती है गाइज की आपकी सैनिबिटी आपके हैंड के ऊपर में कौन सा सैनिबिटी अच्छा होता है आप कौन सा फिंगर खेलते हो टू फिंगर थ्री फिंगर फोर फिंगर मैं खेलता हूँ फोर फिंगर यहाँ पर सैनिबिटी फोर फिंगर के लिए काफ़ी अच्छी है अब देखो जो आपकी पुरानी साइनाबेटी थी उसके ऊपर काफ़ी ख़राब थी और ख़राब सैनबेटी के ऊपर में प्रैक्टिस करके आपकी काफ़ी आदत बन चुकी थी हैबिट लग चुकी थी तो अभी जब नई वाली कोड पेस्ट करोगे थोड़ा बहुत दिक्कतें आएंगी मैंने एक गाइस जो है कुछ दिन पहले मैंने एक जो सब्सक्राइबर थे वो कमेंट किया था भाई कि आपके कोड पेस्ट करने के बाद रिकॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये देखो सेम कोड मैं भी यूज़ कर रहा हूँ सेम आप यूज़ कर रहे हो बट ये रिकॉयल मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ आपके लिए वाइब्रेशन क्यों हो रहा है क्योंकि साइनाबेटी आपकी पुरानी वाली काफ़ी गलत थी अब नई वाली पेस्ट करोगे थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होगा तो आपको ट्रेनिंग मोड में आकर इस तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा अब यहाँ पर देख पा रहे हो चार सौ मीटर पर मैं स्प्रे कर रहा हूँ तो कितना कम आपको यहाँ पर रिकॉल देखने को मिलना देख रहे हो चार सौ मीटर पर आपके बंदे भी ढंग से नहीं पड़ते मैं फिर भी आपको काफ़ी हद तक यहाँ पर रिकॉल कंट्रोल करके दिखा रहा हूँ गाइज ओके तो सिक्स एक्स थ्री एक्स फोर एक्स जो भी है यहाँ पर आपको मैं काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड कंट्रोल करके दे रहा हूँ तो इस तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करोगे ट्रेनिंग मोड में आकर के तो आपको थानाबिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी स्टेडियम खेलो ओके यहाँ पर थानाबेटी को मिलाने के लिए स्टेडियम वगैरह भी खेल सकते हो आप और उसके बाद यहाँ पर ट्रेनिंग मोड में आकर प्रैक्टिस भी कर सकते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है तीन चार दिन आप जो है क्लासेस मत खेलो नहीं तो आपका जो टायर रेटिंग है वो कम हो सकता है आपके ऑनोमेटिक जो है चेंज होने की वजह से उसके बाद जब आपका इसके ऊपर कमांड हो जाएगा अच्छे से ना उसके बाद फिर देखना गर्दा बरा हो गया आप पूरे यहाँ ओके तो थ्री एफ को यहाँ पर देखो थोड़ा बहुत माइनर भाइवेट देखने को मिल रहा है बट कोई बात यहाँ पर नहीं है मैंने काफ़ी चीज़ मिला दिया है तो मैंने आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया सीधा फटाफट फटा चलता हूँ सेटिंग में आपको मैं दे देता हूँ कोड क्योंकि लाइव बनाने में ना गाइस काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है आप लोग बोर हो जाते हो ओके okay? तो यहाँ पर देख लो स्क्रीन का रिकॉयर से कोई लेंद नहीं स्क्रीन का कैमरा से इसको अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो ओके okay? देन यहाँ पर है स्क्रीन का एडियस नॉन जायरो के लिए यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओके okay? तो मैंने जितना पे रख दिया फटाफट स्क्रीन शॉट ले लो अब जायरो वाला यहाँ पर देखो जायरो का भी जो कैमरा है इसका रिकॉयर से कोई लेंद नहीं है मेन है जायरो के एडियस ओके तो इसका भी ले लो आप उसकी स्क्रीन शॉट मैं आपको यहाँ से फटाफट से कोड दे देता हूँ कोड पेस्ट करने के बाद कोई को अगर काम ना करे तो इंस्टाग्राम पर आना भाई को फॉलो करो डीएम करो और इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करके जाना वीडियो को लाइक करके कर जाना ताकि आपके लिए एक मोटिवेशन मिलता रहे तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में टेक केयर थैंक यू सो मच